हेलो दोस्तों, आज के यूट्यूब में आपका फिर से स्वागत है। हम अपने घर से बाहर निकले और हमने वहाँ देखा एक नन्ना मेहमान। कितना क्यूट है, उसे देखकर मन में बड़ा अच्छा अच्छा सा लगा। फिर आज हमने सोचा कि क्यों ना गाजर का हलवा बनाया जाए। आज पूरे दिन बारिश थी और मौसम ठंडा हो गया, तो हमने सोचा क्यों ना कुछ गर्मा गर्म खाया जाए। गाजर कस के तैयार हो गई। अब हम ये गाजर दूध में डाल देंगे और उसे अच्छे से हिला लेंगे और हिलाते रहेंगे थोड़ी देर। अब आप देख रहे हैं कि गाजर और दूध दोनों मिलाकर हम हिला रहे हैं ताकि नीचे ना लगे, और तब तक हिलाते रहेंगे जब तक ये पक के तैयार ना हो जाए। जब ये अच्छे से दूध और गाजर सूख जाएंगे तब हम इसमें मीठा डाल देंगे, चीनी डाल देंगे और इसमें खूब मिला लेंगे, अच्छे से मिला लेंगे इसको। और अब हम इसको हिलाते रहें जब तक ये दूध और गाजर में मेल ना हो जाए और अच्छी तरह से सूख ना जाए, तब तक हम इसको और इस बीच में हम तीन इलायची कूट के इलायची डाल देंगे। इलायची हमने कूट ली है और उसमें से छिलका अलग करके बीज निकाल के और उसको हम उसमें गाजर के हलवे में डाल देंगे। अब हमने छोटी इलायची डाल दी और इसको हम तब अच्छे से मिला देंगे जब तक दूध सूख ना जाए इसमें। और उसके बाद हम मेवे निकाले हैं, मेवे भी डाल लेंगे। ये मेवे हम जब ये अच्छी तरह सूख जाएगी और उसे हमने लोहे की कढ़ाई ली है और उसमें जिस आयरन भी मिलता है लोहे से, इसलिए हम लोहे की कढ़ाई में बनाते हैं। उसमें थोड़ा घी डाल दिया है और घी डाल के उसमें हम इस गाजर के हलवे को अच्छे से भून लेंगे। अच्छे से भून घी में भूनने के बाद जब ये अच्छे से भुन जाएगी और उसमें थोड़ा बहुत जो दूध होगा वो भी सूख जाएगा, तो वो अच्छे से बन के तैयार हो जाएगी। तो उसके बाद हम इसमें मेवे डाल देंगे। इस तरह से खूब अच्छे से हिला लेंगे। इस तरह से हमारा गाजर का हलवा और हमारा गाजर का हलवा बनकर तैयार हो गया। अगर आपको हमारी वीडियो अब हमारा गाजर का हलवा बन कर के तैयार हो गया है। घर पे सब्जी वगैरह ख़त्म थी तो आज हमने सोचा क्यों ना मार्केट जाया जाए और सब्जियां लाई जाएं, क्योंकि पास ही में मार्केट है, वहां ताज़ी खेतों की सब्जी आती है। तो हम चल पड़े सब्जी लेने। क्योंकि यहाँ से मेन रोड का रास्ता निकलता है इसलिए हमारी गली हमेशा बिजी रहती है, हर समय ट्रैफिक रहते हैं। रास्ते में दो डॉगी मिले, वो कपड़ों के साथ खेल रहे थे। आज मैंने काफ़ी थका थका महसूस किया, लेकिन फिर भी मार्केट जाना पड़ गया क्योंकि सब्जियां ख़त्म थी। हम कोशिश यही करते हैं कि हम थोड़ा पैदल जाएं ताकि हमारा चलना भी हो जाए थोड़ा और सब्जी भी आ जाए। सामने ये जो आप देख रहे हैं
आगे चल के लड़ियां लगी हैं, यहाँ पे डेकोरेशन हो रखा है, जो 3-4 दिन से यहाँ पे शादी का माहौल चल रहा था। और अब हम पहुंच गए हैं सीधे मार्केट में और सब्जियां खरीदने। यहाँ डायरेक्ट खेतों से सब्जियां आती हैं ताजी ताजी। और सब्जी खरीद कर हम डायरेक्ट घर के लिए निकल पड़े। आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।